हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे गैंग्स चेंज होने वाले हैं एंड कौन कौन किसकी गैंग में चले जाएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अपकमिंग एपिसोड्स में ना आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। जब धीरे धीरे करके काफी सारे कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन हो जाएगा ना, उसके बाद में गैंग्स चेंज हो जाएंगी। हो सकता है रोडियम्स के बेसिस पे जो गैंग लीडर रहेंगे ना, उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपनी गैंग में से किसी किसे सेव करना चाहते हैं। हर गैंग लीडर अपनी गैंग में से दो दो तीन तीन कंटेस्टेंट्स को सेव कर पाएगा रोडियम्स के अकॉर्डिंग। जो गौतम है वो पराक्रम और पीहू को सेव करने की कोशिश करेंगे। जो प्रिंस है ना वो श्वेत और आशिका को सेव कर लेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो रिया रहेंगे ना वो ऋषभ और भूमिका को सेव कर लेंगे। अब जो कंटेस्टेंट्स बचे रहेंगे ना, उन्हें कोई भी गैंग लीडर अपनी गैंग में ले लेगा। इसके लिए भी कोई प्रॉपर क्राइटेरिया होगा जो अभी मुझे उतना क्लियरली पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जिसके बाद जो प्रिंस है वो हिमांशु को अपनी गैंग में ले लेंगे। जो रिया है वो वाशु को अपनी गैंग में ले लेंगी। प्लस पल्लवी को भी रिया अपनी गैंग में ले सकती हैं। एंड ये भी चांसेस हैं कि जो सचिन है ना वो गौतम के गैंग में चले जाएं। अभी इनका इतना क्लियर नहीं है लेकिन बाकी लोगों का क्लियर है। और भी जो तीन चार कंटेस्टेंट्स बचेंगे ना, उनकी गैंग चेंज हो जाएगी। एंड बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट होने वाले हैं। जैसे कि तनु, अभिरूप, प्रियंका गुप्ता, देन राजवीर, इन सबके एलिमिनेट होने के चांसेस हैं काफी जल्दी से। जोगिंदर, प्रेम, ये लोग भी एक दो वोट आउट ही सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि ये लोग वैसे भी गैंग लीडर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अगर गैंग लीडर्स को सेव करने का या फिर इम्यूनिटी देने का मौका मिलेगा ना, तो वो अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को ही इम्यूनिटी वगैरह देंगे, जिस वजह से अपकमिंग एलिमिनेशन में एक एक करके इन लोगों का नंबर लगेगा। इसके अलावा जो दिग्विजय है, अभी ऐसे लग नहीं रहा कि उनकी जर्नी भी उतनी ज्यादा लंबी होने वाली है। इस वाले वोट आउट के बाद में जो वोट आउट होगा ना, उसमें ऐसे लग रहा है कि दिग्विजय घर चले जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हिमांशु ने ना इससे रिलेटेड एक हिंट भी ड्रॉप की थी। एंड काफी सोर्सेस से ये भी पता चल रहा है कि जो सेमीफिनाल है ना, वो दिग्विजय और श्वेत के बीच में होगा, जिसमें श्वेत दिग्विजय को हरा देंगे। तो अभी ना सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है, उतना क्लियर नहीं है कि इनके साथ में क्या होने वाला है। हो सकता है अभी एलिमिनेट हो जाए एंड बाद में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाए, क्योंकि कंटेंट तो शो मेकर को इनसे अच्छा खासा मिल ही रहा है। बाकी जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो अपने गैंग के साथ में काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अभी जब गैंग स्वैप होंगी ना और सब इधर उधर हो जाएंगे, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वोट आउट के टाइम पर क्या होता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश करेंगे, कोई किसी को एलिमिनेट करना नहीं चाहेगा, जिस वजह से ना हो सकता है लोग अपनी गैंग में भी किसी को वोट आउट करने की कोशिश करें। तो ये सारे सिनेरियोस देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। श्वेत ने ये स्टोरी डाली थी जिससे अभी ऐसे हिंट मिल रही है कि अपकमिंग टास्क भी ना प्रिंस की गैंग जीत सकती है। एंड जिस तरीके से प्रिंस गैंग के जो मेंबर्स है वो हिंट्स दे रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग काफी सारे टास्क वो लोग जीतने वाले हैं। तो गाइज, आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये भी बताना कि क्या आप लोग प्रिंस गैंग के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।